हजरत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसु दराज अल्मा सरकार फरमाते हैं कि हजरत ख्वाजा हसन बशरी रहमुल्ल सरकार रात को काबा में इबादत कर रहे थे तभी काबा के कोठी के ऊपर किसी आदमी के रोने की आवाज़ आई आपने सोचा इतनी रात को काबा की छत पर कौन हो सकता है आप ऊपर जाकर देखते हैं कि एक आदमी अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है और रो रो कर कह रहा है कि या अल्लाह तू जानता है कि मुझे दोजक में जलाया जाएगा या नहीं मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दी जाएगी या नहीं यह सब देखकर हज़रत ने सोचा कि कोई बहुत बड़ा गुनहगार आदमी मालूम पड़ता है इसलिए अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद कर रहा है इस वक्त इसके पास जाना ठीक नहीं बड़ी देर के बाद जब वो आदमी नीचे उतरा तो आप उसके सामने गए हजरत ख्वाजा हसन बशरी रहम देख कर हैरान हो जाते हैं कि वो आदमी हजरत इमाम हुसैन अहमा रहे हजरत हसन बशरी रहम फ़ौर हजरत इमाम हुसैन अहम के कदमों पर गिर पड़े और कहा यासैन अहमा आपको ख़ुदा ने इतना इल्म और बुजुर्गी दी है जो बयान नहीं किया जा सकता आप हम सबके सरदार हैं क्या यह काफ़ी नहीं कि आप हजरत मोहम्मद वसल्लम के नवासे हैं क्या यह काफ़ी नहीं कि आप पैगम्बर मोहम्मद हजूर पाक अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रहमा के बेटे हैं क्या ये काफ़ी नहीं कि अलैहि वसल्लम के चचाजात भाई और दामाद हजरत अली रहमा आपके अब्बा हैं ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन अलैहि रहमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप फरमाते हैं जिस रोज़ नाना जान हजरत वसल्लम पर कुरान की ये आयत उतरी और मोहम्मद आप अपने क़रीबी रिश्तेदारों को अजाब से डराइए तो नाना जान ने अम्मीजान को हिला कर फरमाया फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी अपने नफ्स की आग से बचा अगर नफ्स दोस्त रहा तो खुदा के यहाँ मैं तेरे काम ना आऊँगा ये सीख मेरे लिए भी है मुझे वालिद की अच्छाइयों पर घमंड नहीं करना है जब हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम का होना फ़ातिमा रहमा के लिए काफ़ी नहीं तो मेरे लिए कैसे काफ़ी हो सकता है क़यामत के दिन हमारे अमाल ही काम आएंगे